अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मेहरान, मेहरान जुगोबाइट से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बनाएंगे एक बस का टिकट, यानी पास कह लें जिसे हम, यानी कि हम एक टिकट बनाएंगे। और इवेंट टिकट भी ऐसे ही बनता है, सेम जो है वो साइज़ होगा सेम, यानी कि डाटा तो सेम नहीं होगा, खैर उसके ऊपर जो मैटर है वो सेम होगा। तो दोस्तों, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जो है वो आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो बेहतर वॉइस आएगी। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले करना क्या, आपका जौन सा भी कोरल ड्रा है उसे ओपन कर लेना है। मेरे पास कोरल X7 हुआ है इंस्टॉल, तो मैं इसी को ओपन करता हूँ। उसके बाद जो है हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे और उसके बाद ये, या हम इसका नाम रख लेते हैं बस टिकट के नाम से। और ये CMYK हमेशा जो है वो हम प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो CMYK है, सियान झंडा येलो ब्लैक, और 300 जो है DPI डॉट पर इंचज। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक पेज आ गया। तो दोस्तों, इसके बाद हमने करना क्या है, हम ये वाले रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक छोटा सा रेक्टेंगल लगाएंगे और इसके बाद में साइज़ दे देंगे। साइज़ हमने क्या देना है इसे, 7.5, और इसकी हाइट हम रखेंगे 2.5। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। मैं पी प्रेस करके, पी यानी पेज, मैं पी प्रेस करके इसे पेज के दरमियान में ले आऊँगा। उसके बाद दोस्तों, हम इस साइड से इसे पकड़ेंगे, इसे क्लिक करके रखा हुआ है और इस साइड पे लेफ्ट टू राइट लेकर आएंगे, और अभी इसे छोड़ना नहीं। इसे छोड़ने से पहले हम राइट क्लिक करेंगे, ये प्लस का साइन आ गया साथ, हम इसे छोड़ देंगे। ये एक और जो है वो बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हम इस बॉक्स का साइज़ क्या रखेंगे, इस बॉक्स का हम साइज़ रखेंगे 1.35। इसे हम एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इसे उठाकर जो है वो रखना जो है, ये देखें ऐसे बिल्कुल, यानी कि अपनी लाइन के ऊपर नहीं आएगा। हमने करना क्या है, जस्ट हमने पहले ये वाली लेयर पकड़नी है, छोटी लेयर, उसके बाद बड़ी लेयर, यानी कि जिसके बराबर हमने करना है उससे बाद में पकड़ना है। मैंने दोनों लेयर से पकड़ ली। हमने क्या करना है, अब राइट वाली लाइन के साथ लगाना है। तो मैं यहाँ जस्ट R क्लिक करूँगा, R क्लिक किया तो वो राइट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आपका जो लोगो है, कंपनी लोगो, सॉरी लोगो से पहले ये मैंने एक सीरियल नंबर के लिए फ़ोन डाउनलोड किया हुआ है डोटी रेगुलर, तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी दे दूंगा, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये मैंने चंद जो है ये नेट से उठाए थे, मेरे खुद के नहीं हैं, तो ये लोगोज़ हैं, यानी कि वो टिकट के ऊपर लगाने के लिए। तो मैं इनमें से जो है ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ये अच्छा रह गया, यहाँ मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा सूट करेगा। ये देखें, ये पिक्सेलेट है, यानी कि ये JPG है या PNG है, PNG है ये। तो हम इसे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो चलें ये भी शामिल हो गया इसमें। हम इसे वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, हमने जस्ट ये ऊपर ये वाली ऑप्शन के हुए ट्रेस बिट मैप के ऊपर क्लिक करना है, और ट्रेस क्विक ट्रेस, क्विक ट्रेस करेंगे यहाँ। उसके बाद जो है ये लाइन ट्रेसिंग में आके, तो ये लाइन आर्ट के ऊपर भी करके कर सकते हैं। ये इस वक्त होता है जब हमने छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट है ना उसे ट्रेस करना हो, तो हम क्विक ट्रेस करते हैं और रिड्यूस बिट मैप।
अब ये वर्किंग हो रही है, इसके लोडिंग हो रही है। तो ये मेरी वेक्टर फाइल तैयार होगी, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ये वेक्टर फाइल आ गई। तो दोस्तों उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मैटर। हमने इसके ऊपर मैटर क्या लिखना है, मैटर हमने लिखना है जी क्या हम बना रहे हैं, बस टिकट बना रहे हैं। तो सबसे ऊपर आएगा बस टिकट, उसके बाद जो है डेट आएगी, फिर टाइम आएगा, फ्रॉम यानी कि हम कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ टू आएगा, और उसके बाद आएगा बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के बाद आता है गेट, यानी कि हमने एंट्री कौन से गेट से करनी है। उसके बाद दोस्तों आता है पैसेंजर टिकट, पैसेंजर टिकट एंड बैगेज चेक, पैसेंजर टिकट एंड ये हमारा मैटर जो है वो आ गया। अब मैटर के बाद जो है हमें क्या चाहिए, हमें एक QR कोड चाहिए, चले वो हम बाद में लेते हैं। इसे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसे आप सिलेक्ट करें, टेक्स्ट टूल में जाएं और ये चेंज केस, इसकी शॉर्टकट की भी वैसे है, तो आप यहाँ आकर तो सेंटेंस के ये टाइटल केस कर लें। टाइटल केस करने के बाद जो है हम टिकट के ऊपर काम करना अपना शुरू करें। तो सबसे पहले हम अपना लोगो उठाते हैं, इसे प्रिंटिंग एरिया जो है वो आप दे दें, सेवन पॉइंट 25 और 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ आना है 2.25। ये हमारा प्रिंटिंग एरिया आ गया, हमने इस एरिया के अंदर अंदर काम करना है जो भी करना है। सबसे पहले हमने लोगो पिक किया, आप इस तरह से अपना लोगो जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक टेक्स्ट है, हम इसे कंट्रोल के करके जो है वो सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा सबसे ऊपर यहाँ आ जाएगा बस टिकट। इसका साइज छोटा कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। इसका जो केस है वो टेक्स्ट केस, वो हम अपर केस कर देते हैं फोन। और उसके बाद डेट से शुरू करते हैं, डेट से पहले हम QR कोड इंसर्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट में आकर इंसर्ट बार कोड,
और यहाँ कोड बार, यहाँ हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, यानी एम टिकट का नंबर दे देते हैं 0000 आगे 1। हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट, और यहाँ ये टिक होगा आपका ऐसे, हम इसे अनचेक करके तो फिनिश कर देंगे। ये हमारा कोड रेडी। क्यूआर कोड बनाने के बाद जो है हम इसे सिंपल एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, इसके जो है राउंड, और इसकी जो है राइट क्लिक करके यहाँ इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। अब हम इसे दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देते हैं और इन्हें रोटेट कर देते हैं। हम इसे जो है वो बिट मैप कर देते हैं, क्योंकि ये रोटेट बहुत कम होता है, ये हमने बिट मैप कर दिया। ये हमारा क्यूआर कोड आ गया। उसके बाद आता है ये तीन चीज़ें, सॉरी चार चीज़ें, डेट, टाइम, फ्रॉम और टू। हम इसका जो टेक्स्ट केस है वो भी अपर केस कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी कम कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। और इसके आगे एक शेप क्रिएट कर देते हैं। अब कंट्रोल प्लस करके और माउस का जो है राइट क्लिक करके हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, और जैसे हमने इसे पिक किया और राइट क्लिक करेंगे, प्लस का साइन आ गया, छोड़ दिया। अब कंट्रोल आर से रिपीट कर देते हैं। अब ये इनके जो है वो इक्वल नहीं है, हम इस वाली शेप को इसके इक्वल कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे और सबसे ऊपर वाली शेप को सबसे ऊपर वाले के साथ इक्वल कर देते हैं, और फिर इन चारों लेयर्स को पकड़ के हम करेंगे शिफ्ट ए। शिफ्ट ए करने से जो है वो चारों एक एक यानी कि स्पेस में हो गई हैं। उसके बाद आ जाता है गेट, हमने कौन से गेट से एंट्री करनी है। यहाँ गेट आ गया, इसे सेंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आ गया बोर्डिंग पास का, तो बोर्डिंग पास के लिए हम जो है वो जगह चूज़ करते हैं नीचे, इन्हें हम ज़रा कंप्रेस कर लेते हैं।
हमने ये शेप क्रिएट कर लिया, इसको हम कर देते हैं सियान कलर। इसे हम पीछे ले जाते हैं राइट क्लिक करके ऑर्डर और बैक टू लेयर, और इसकी कंट्रोल शॉर्टकट किया शिफ्ट पेज डाउन। टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं, इसकी आउटलाइन जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। इसे 0.1 कर देते हैं। इन सब को भी 1.0 और उसके बाद QR कोड को कॉपी करें और पेस्ट कर दें। इसे जो है वो 0 डिग्री के ऊपर रोटेट करें, इसे छोटा कर दें। जो ये वाली साइड है, ये वाली जो टिकट देने वाला है उसके पास रहेगी। यहाँ से हम ये वाले बॉक्सेस उठाते हैं, इन्हें मज़ीद छोटा कर देते हैं। या हम जो है वो सिंपल लाइन यूज़ कर देते हैं। इन सब को अनबोल्ड कर देते हैं और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इन्हें। शिफ्ट पे डाउन, इन दोनों को सेंटर कर देते हैं। इन सब को ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप की शॉर्टकट की है, वैसे यहाँ से भी हो जाता है। ग्रुप करने के बाद हम इन तीनों की स्पेसिंग बढ़ा देंगे। इन सब को सेलेक्ट किया शिफ्ट ए के साथ, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के लिए मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था, फ़ॉन्ट का नाम डोटी रेगुलर था, ये रहा।
इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ भी। अब इन्हें हम कलर कर देती हैं। ये लेयर से पीछे ले जाते हैं, इसे पिक किया, इसकी आउटलाइन ख़त्म की, इसे वाइट कलर करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके हम सियान के ऊपर क्लिक करते हैं। 20% सियान कर दिया और टिकट के जो फॉन्ट है उसे ब्लैक ही रहने देते हैं। सीरियल नंबर 0 से ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देते हैं। यहाँ बोर्डिंग पास को भी बॉर्डर दे देती हैं। हम इस लोगो को लेते हैं, इसे सबसे एंड पे लेयर सब लास्ट लेयर पे ले जाते हैं शिफ्ट पेज डाउन के साथ। और इसकी ओपेसिटी कम कर देती हैं, हम कर देते हैं 90%। और यहाँ स्पेस जो है वो खाली है, तो हम सोच रहे हैं कि सोच के आ रहे हैं वैसे भी आना है गेट नंबर, यहाँ से हम इसे डुप्लीकेट बना के यहाँ रखते हैं, इसे मज़ीद छोटा कर देते हैं और इसकी आउटलाइन जो है वो 0.5 की कर देते हैं। यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं और ये अंदर वाला जो है वो लाइन जो है वो प्रिंटिंग एरिया की थी। तो ये हमारी जो है वो आज की टिकट तैयार है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो हम ये अंदर वाली जो लाइन है इसे हाइड कर देते हैं। तो ये हमारी टिकट तैयार है, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे डिस्कस करें, मैं आपका जो है वो उसका हल निकालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।